मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। मित्रों अपनी नई नवेली दुल्हन किरण को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में मिली नई चमचमाती गाड़ी से शाम को दिनेश लॉन्ग ड्राइव पर लेके निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था। किरण ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जाने मन, मजे लेने दो ना, आज तक दोस्तों की गाड़ी ही चलाई है, आज अपनी गाड़ी है, कई सालों की तमन्ना पूरी हुई है, मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे डैडी से गाड़ी की मांग की थी। मैं तो किरण बोली, अच्छा म्यूजिक तो कम कर दो। और आवाज़ कम करते करते किरण ने ऐसा कहा, तभी अचानक गाड़ी के सामने एक भिखारी आ गया और बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते लगाते पूरी गाड़ी घूम गई। दिनेश ने उसे बचा लिया, परंतु उसको गाली देकर बोला, अबे मरेगा क्या भिखारी, साले देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। मैं तो किरण गाड़ी से बाहर निकलकर उस भिखारी के पास पहुंची और देखा तो वो भिखारी अपाहिज था। उसे माफ़ी मांगते हुए पर्स से 100 रुपये निकाले और उसे दे दिया और बोला, माफ़ करना काका, हम बातों में थे, कहीं आपको चोट तो नहीं आई है, ये लीजिए हमारी शादी की मिठाई खाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं तो उसे साइड में फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया और भिखारी दुआ देने लगा। मैं तो गाड़ी में वापस जाकर किरण जैसे ही बैठी तो दिनेश बोला, तुम जैसों की वजह से ही इनकी हिम्मत बढ़ती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। किरण मुस्कुराते हुए बोली, भिखारी तो मजबूर था इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर, जानते हो खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में, आपने भी तो मेरे पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन भिखारी हुआ, वो मजबूर अपाहिज या फिर आप। मैं तो किरण ने अपने पति दिनेश को समझाते हुए कहा कि एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, फिर दूसरों को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान तक कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े, किसी नई गृहस्थी की शुरू हो, पर उस पर दहेज मांगना भीख नहीं है तो क्या है, बोलिए। दिनेश एकदम खामोश नीचे नजरें किए शर्मिंदगी से सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि किरण की बातों से उसे पड़े तमाचों ने बता दिया कि कौन सच में भिखारी है। मैं तो एक छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। अगर आप दहेज लेते हैं तो जब भी घर में छोटे छोटे झगड़े होते हैं तो उसमें आपको कभी न कभी आपको शर्मिंदगी जरूर उठानी पड़ेगी, और कोशिश कीजिए कि लड़की के माँ बाप को भी अपने माता पिता जैसा सम्मान दीजिए और उनको भी उतना प्यार कीजिए जितना आप अपने माता पिता को करते हैं। Thank you.